मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मिल, कांग्रेस ने पूछे 9 सवाल, कहा नाकामी के 9 साल हुए पूरे। एनडीए हुकूमत ने अपने इख्तदार के 9 साल मुकम्मिल कर लिए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 ईस्वी को वजीर आजम के तौर पर मुल्क की बागडोर संभाली। मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मिल होने पर कांग्रेस ने बीजेपी को निशाना बनाया। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से कई ट्वीट्स में पीएम मोदी से 9 सवाल पूछे। 9 साल मुकम्मिल होने पर कांग्रेस ने हुकूमत पर तंज करते हुए हुक्मरानी पर कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस वजीर आजम नरेंद्र मोदी से 9 सवाल पूछना चाहती है। उन्होंने कहा कि हम 9 साल 9 सवाल के लिए एक दस्तावेज भी जारी कर रहे हैं, यह नाकामी के 9 साल है। इन ट्वीट्स में कांग्रेस ने गुज़श्ता 9 सालों को बीजेपी हुकूमत की नाकामी के 9 साल का नाम दिया है। कांग्रेस ने कहा कि नाकामी के 9 साल हैं। पार्टी ने कहा कि ये 9 साल मुल्क के लिए मसायब के हैं। पिछले 9 सालों में आइन, जमहूरियत, किसान, पहलवान समेत मुल्क का कोई भी तबका मोदी के हमले से महफूज नहीं रहा। पीएम मोदी ने मुल्क को कई दहाइयों पीछे धकेल दिया, ये नाकामी के 9 साल है। पीएम मोदी से कांग्रेस के 9 सवाल। कांग्रेस ने ट्वीट किया, मोदी हुकूमत ने 9 साल मुकम्मिल कर लिए हैं। इस मौके पर हमारे पास पीएम मोदी से 9 सवाल हैं। पीएम मोदी खामोशी तोड़कर जवाब दें। पिछले 9 साल में मोदी सरकार करोड़ों नौजवानों का रोज़गार छीनने में आलमी लीडर बन गई। कांग्रेस ने पूछा, मुल्क में महंगाई और बेरोज़गारी क्यों आसमान छू रही है? अपने अगले सवाल में पार्टी ने पूछा कि ऐसा क्यों है कि गुज़श्ता 9 सालों में किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई? अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए LIC और SBI में कमाई गई रकम दाव पर लगाई गई क्यों? पार्टी ने मज़ीद सवाल किया कि ऐसा क्यों है कि चीन को आंखें दिखाने की बात करने वाले वज़ीर आज़म ने उसे 2020 ईस्वी में क्लीन चिट क्यों दी, जबकि वो अभी भी हिंदुस्तानी ज़मीन पर काबिज़ है? कांग्रेस ने अपने अगले सवाल में पूछा कि ऐसा क्यों है कि इंतखाबी फ़ायदे के लिए जानबूझकर तफरखाबाजी की सियासत को हवा दी जा रही है और माशरे में खौफ की फ़िज़ा पैदा की जा रही है?